हेलो स्टूडेंट्स, आई सेल्फ नितिन सिंह राम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज मैं डीलेड सेकंड ईयर पाठ्यक्रम से यस 7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में अध्ययन करेंगे। कल के टॉपिक के आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने देखा था कि गणित सीखने का एक संभावित क्रम अ, भ, ची और प्र के बारे में। इसी कड़ी में हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। औपचारिक गणित को ठोस अनुभवों से जोड़कर सिखाना, अर्थात औपचारिक गणित को ठोस अनुभवों से जोड़कर सिखाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, ऐसा क्यों किया जाए, इस बात को हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको शायद ऐसा लगे यदि कोई बच्चे, कोई छात्र, चाहे प्राथमिक स्तर का हो या छोटा बच्चा हो, किसी अमूर्त अवधारणाओं को समझ चुका हो, अर्थात कोई बच्चा किसी अमूर्त अवधारणाओं को समझ चुका हो, जान चुका हो, लेकिन उसके बाद वह अन्य अवधारणाओं या प्रक्रियाओं को समझने के लिए ठोस अनुभवों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। औपचारिक गणित या मन में हिसाब अच्छी तरह से कर पाने के बावजूद भी बच्चे अवधारणाओं, संक्रियाओं, सवालों आदि को समझने के लिए वास्तविक चीज़ों और अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। उनके विकास का यह पिंजदार स्वरूप गणित सीखने की प्रक्रिया की विशेषता है। इसको हम इस तरह से समझते हैं, जैसे अच्छा बच्चों के लिए एक बात वो भी हम आपको बताते हैं, ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं बना है, ठोस अनुभव को औपचारिक जोड़ने की बात करें, ऐसा कोई अनुभव पाठ्यक्रम नहीं बना है खासकर किसी भी कक्षा के लिए कि सभी कक्षा में जितने बच्चे हैं सभी के लिए परफेक्ट हो। कहीं न कहीं किसी न किसी बच्चे के वो अनुरूप वो पाठ्यक्रम नहीं रहेगा, किसी न किसी बच्चे की कमी आएगी, अर्थात ऐसा पूर्ण पाठ्यक्रम बनाया ही नहीं जा सकता। विविधताएं हैं, वैयक्तिक भिन्नताओं के कारण ऐसा है। जब उदाहरण के लिए बच्चों को समझाते हैं कि जब 2 अंकों वाली संख्या बच्चों को सिखाई जाती है तो उससे पहले बच्चों का स्थानीय मान समझने की ज़रूरत होती है, अर्थात बच्चों को हम कोई भी जब जो संख्या सिखाएंगे, नंबर सिखाएंगे 2 अंकों वाले, जैसे 52, 51, 63, इन सब संख्याओं से सिखाने से पहले उसकी प्लेस वैल्यू सिखाएंगे, किस प्लेस पे है, इसका मतलब क्या है, अर्थात इससे उन्हें समूह बनाने में ढेर सारे अनुभव से गुजरने की ज़रूरत होती है। उन्हें धीरे धीरे दहाई अंक, इकाई अंक समझने में मदद मिलती है। इसके बाद वे छोटी संख्याओं के औपचारिक गुणा करने के लिए तैयार हो जाएंगे और फिर उनमें बड़ी संख्या के संदर्भ में स्थानीय मान समझ विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभवों से गुजरने की ज़रूरत होगी। पहले हम इस तथ्य को समझते हैं औपचारिक गणित क्या है और उससे ठोस अनुभव से जोड़ने वाली बात हम पहले समझ जाएं, उसके बाद तब थ्योरी वाली बात देखते हैं। देखिए, औपचारिक गणित मतलब कि ऐसे प्रत्यय, ऐसे संदर्भ जो बच्चा खुद समझ रहा है। बच्चे को समझने के लिए कोई स्पेशल टास्क फोर्स या टास्क ना बनाया जाए, उसको सिखाने के लिए फॉर्मेलिटी जो हम औपचारिक रूप से बच्चों को सिखा रहे हैं कक्षा कक्ष में, एज लाइक बच्चे के पाठ्यक्रम से, चाहे नंबर सिस्टम से हो, संख्या पद्धति से हो, स्थानीय मान की वैल्यू हो, या संख्या काउंट, छोटा प्राथमिक स्तर का बच्चा है काउंटिंग सिखाने की बात हो, ऐसे ऐसे प्रत्यय जो बच्चों को हम सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो उनके अनुभव से जुड़ने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे
बच्चे को कोई मूर्त या अमूर्त दोनों अवधारणाओं को प्रक्रियाओं को एक बार बता दिया जाए तो बच्चा उसे याद रखेगा या उसको सदैव के लिए ही याद है, बच्चा उसको भूल जाएगा। उस भूलने के जो क्षमता होती है बच्चों में, ये सामर्थ्य होता है कि बच्चे किसी प्रत्यय को आसानी से भूल जाते हैं। जब बच्चे उसको भूल जाएंगे, उसको हम किसी न किसी ठोस वस्तुओं से, दैनिक जीवन से उपयोगी जो बच्चों के लिए है, उससे संबंध स्थापित कर देंगे, उससे जोड़ कर जब सिखाएंगे वो चीज़ें अस्थाई हो जाएंगी। जैसे बताया गया कि संख्या सिखाने से पहले बच्चे को एक संख्या सिखाया जा रहा है, उसको सिखाने से पहले बच्चे को स्थानीय मान सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। प्लेस वैल्यू क्या है? जैसे स्थानीय मान की बात हम लोगों ने कहा, अब जब स्थानीय मान में हम लोग आते हैं, स्थानीय मान लिख दिया था, स्थानीय मान जब हम आते हैं, जैसे हमने कहा कि बच्चे को हम 15 का प्रत्यय सिखा रहे हैं, 25 का प्रत्यय सिखा रहे हैं, अब उसके ठोस अनुभव से कैसे जोड़ेंगे? बच्चे को हम कोई छोटा वाला जो ये खिलौना आता है ठोस वस्तुओं के रूप में बच्चे के लिए अलग अलग प्रकार के ऐसे बना लेंगे। अब जैसे हमने कहा कि 15 को हमें बनाना है, इस क्रम में बच्चे को ठोस अनुभव के रूप में जोड़ना है, तो हमने क्या किया, इसी क्रम को थोड़ा रिवर्स किया। हमने कहा कि ये देखिए हम बच्चों के खेल के लिए ऐसा बना दिया, अब 5 वैल्यू आई, इसे वंस प्लेस मान लिया, इसे टेंस की प्लेस मान लिया, इसे 100 की प्लेस मान लिया। अब जब इसमें 5 की फर्स्ट प्लेस पे 5 है, इसका मतलब इसमें कितने सर्किल, 3-4 आ गया, और वंस के प्लेस पे 1 है। इस प्रकार से जब बच्चा स्थानीय मान के प्रत्ययों को खुद समझेगा, स्लेट पे, बोर्ड्स पे, अब चाहे उसको हम चित्रों के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, उसको दैनिक वस्तुओं को, उपयोगी वस्तुओं का एग्जांपल दे करके समझाएंगे, वो सीखना बच्चों के लिए अस्थाई बना रहेगा। अब जैसे 25 का प्रत्यय उसको समझाना है, अब 25 के प्रत्यय में ऐसा 25 है, हमने कहा कि ये देखिए, ये वंस की वैल्यू, ये टेंस की वैल्यू, ये हंड्रेड्स की वैल्यू। अब बच्चे ने क्या किया, वंस के प्लेस पे 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा बना दिया, वंस के प्लेस पे 2 है, ऐसा आ गया टेंस के प्लेस पे। अब इस प्रकार से जब ठोस अनुभव बच्चा करेगा, बच्चे के लिए सीखना सहज हो जाएगा, और वो अपना जो अनुभव है, औपचारिक अनुभव है, जो सीख रहा है औपचारिक गणित, अपने अनुभवों से जोड़ रहा है, ये जोड़ना जरूरी होता है। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए बताया गया कि जब दो अंकों वाली संख्या सिखाई जाती है बच्चों में, तो उनको हम स्थानीय मान की बात करते हैं, या उससे पहले उसके आगे जब बात आती है कि जब बच्चों को इसी कड़ी में थोड़ा आगे आते हैं, जैसे इस तरह से पहले छोटी संख्या, जैसे हमने स्थानीय मान की बात प्रत्यय कन्फर्म कर दिया, इस तरह से जब स्थानीय बच्चों को स्थानीय मान के समझ बच्चे में विकसित हो जाएगी, ठोस अनुभवों से उसको जोड़ लिया, तो इस तरह से बच्चे पहले छोटी संख्याओं को फिर बड़ी संख्याओं के संदर्भ में काम करने से बच्चों की संख्याओं की जो अवधारणा होती है, समझ होती है, वो बनने लगता है, उससे मौका मिलता है अस्थाई होने के लिए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं एक छोटा बच्चा है, उसे जोड़ में क्रम विनिमय को समझने की कोशिश कर रहा है। क्रम विनिमय का मतलब, इसे क्रम विनिमय थोड़ा समझते हैं, क्रम विनिमय का मतलब आप ये जानिए, जैसे एक छोटी संख्या है 2+5, हमने 2+5 को ऐड किया और फिर इसका क्रम चेंज कर दिया, 5+2 ऐड किया, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, 5+2 और 2+5,
फाइव प्लस टू और टू प्लस फाइव इजकल टू सेवन, ये तीनों यदि सेम है तो बच्चा जाए इसे क्रम विनिमय की बात करते हैं, एडिशन का क्रम विनिमय नियम। अब ये प्रत्यय छोटा बच्चा समझ रहा है, छोटे बच्चे की समझने की कोशिश कर रहा है क्रम विनिमय को, तो शुरू में इतना काफ़ी है कि वह जोड़ गुणा की छोटी छोटी संख्याएं जिनसे वह परिचित है उसे समझ ले। अभी वह बड़ी संख्याओं को उतनी नहीं जानता है, इसलिए छोटा छोटा एग्जाम्पल देंगे। जैसे बच्चा छोटा है तो हमने कहा कि थ्री, एक दूसरा एग्जाम्पल के रूप में हमने कहा कि थ्री प्लस फाइव टू ले लिया, और सॉरी थ्री प्लस टू ले लिया इजकल टू फाइव है। अब इसी को हमने देखा टू प्लस थ्री कर दिया, एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ है, एडिशन का क्रम विनिमय है। अब हमने क्या बताया, इसमें बच्चा क्या समझा, इसका क्रम चेंज किया जाए तो भी फाइव आया, इसका भी क्रम चेंज किया जाए तो भी फाइव आया। इसका मतलब कि ये संख्याएं जो हैं थ्री प्लस टू और फाइव प्लस टू प्लस थ्री सेम है। जब बच्चे के मन में ये अनुभव हो जाएगा, इसका अनुभव कर लेगा थ्री प्लस टू और टू प्लस थ्री सेम है, तो समझ जाएगा यही क्रम विनिमय का नियम है। इस प्रकार से बच्चे को हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक। इसके आधारित बच्चा वर्क भी करता है और प्रैक्टिस भी करता है। सीखने के लिए भारतीय प्रश्नों का भी हेल्प ले सकते हैं तमाम। जैसे यदि आप प्री स्कूली बच्चे हैं, माने प्राथमिक स्कूल से स्टार्टिंग्स के बच्चे हैं, तो उनके लिए आप दो अर्थ में सीखने का कोशिश कर रहा है। दो का एक छोटा बच्चा मान लो है जो प्राथमिक स्कूल से छोटा यूकेजी एलकेजी में है, वो बच्चा दो का अर्थ सीखने का कोशिश कर रहा है, तो अच्छा तरीका क्या होगा, उसे हम दो पेंसिल दे देंगे। जैसे कई सवालों की तरह हल करते हुए छोटी बच्ची अभ्यास करती है, धीरे धीरे दो का पहले दो पेंसिल देंगे, धीरे धीरे दो का काफ़ी प्रश्नों के द्वारा एग्जाम्पल देंगे। इस प्रकार से बच्चे को, उस छोटे बच्चे को दो का अर्थ पूरी तरह समझ लेगा। जब वो दो का समझ लेगा तो उसके पास पांच पेंसिल थी, फिर उसमें से हमने कहा कि तुम्हें 12, फिर दो पेंसिल उसके पास 12 पेंसिल हुआ, 12 पेंसिल के बाद हमने कहा उसमें कुछ पेंसिल हमें दे दो, कुल मिला के कितना हुआ। इस प्रकार से इबारती प्रश्नों को जोड़ के अवधारणा विकसित करेंगे, धीरे धीरे ठोस अनुभव का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने पेंसिल का एग्जाम्पल लिया छोटे बच्चे के लिए कि उसके पास दो पेंसिल था, दो बच्चा दो पेंसिल देख देख के समझा, दो को समझ गया। हमने उसके पास तीन पेंसिल दिया, तीन को धीरे धीरे देख देख के समझा, अब उसका अनुभव किया ये तीन होता है, तीन का अर्थ भी समझ गया, तीन का मतलब भी बच्चा जान गया, तीन दो को ऐड कर दिया गया, आपके पास कुल कितने पेंसिल हो गए, पांच पेंसिल हो गए। अब बच्चे के पास काउंटिंग में भी पांच हो गया, उसको ये भी समझ में आ गया कि यही दो पेंसिल और फिर तीन पेंसिल ऐड कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, फाइव पेंसिल मिल जाएगा। ये इसका जो इबारती टाइप के प्रश्न छोटे छोटे हम बनाए, ये बच्चा के ठोस अनुभव को जोड़ने का प्रयास किया, और छोटा बच्चा छोटी छोटी संख्याओं को अर्थ सहज भाव में सीख लिया, ठीक। थोड़ा धारणा, वैसे जो भी बात हम कर रहे थे, किसी भी स्तर पर कक्षा के लिए, किसी भी स्तर की कक्षा के लिए, चाहे छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो, वैसे कोई भी पाठ्यपुस्तक ऐसी किसी स्तर पर शुरू नहीं की जा सकती जो प्रत्येक बच्चों के लिए सही हो। यदि शिक्षक चाहते हैं वे गणितीय सोच व क्षमताओं की पक्की नींव बनाएं, तो महत्वपूर्ण है कि पूर्व स्कूली प्राइमरी स्कूल के बच्चों के पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य सामग्री का इस्तेमाल करें। वास्तव में अपने आप में गतिविधियों पर आधारित एक पाठ्यक्रम दे देना ही काफ़ी नहीं होता, इससे बेहतर होगा कि साथ साथ पाठ्यपुस्तक की जगह कार्य पुस्तक का इस्तेमाल किया जाए, और ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए ये जो पाठ्यपुस्तक के साथ साथ कार्य पुस्तक की बात कही गई बहुत आवश्यक होता है। बच्चों को ये प्रत्यय समझ में आना चाहिए कि बच्चा ने समझा कि नहीं समझा, ये बातें उसके अभ्यास कार्य पुस्तक में हम सॉल्व कराते हैं, देखते हैं, टॉपिक अनुभव लेते हैं। जब बच्चे
किसी भी अवधारणा को समझने के लिए ठोस अनुभव शुरू करके अमूर्त स्तर तक पहुंचने के लिए सीखने के क्रम के रूप में एक बच्चे को किसी भी अवधारणा को समझने के लिए एक शिक्षक होने के नाते उसे ठोस अनुभवों से शुरू करके अमूर्त स्तर तक पहुंचने के लिए सीखने के एक क्रम में देना चाहिए। मोटे तौर पर यही क्रम इस क्रम में थोड़ी बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, तबलीगी का मतलब परिवर्तन। और क्रम के हर चरण में आपको यह जानना जरूरी है कि बच्चा कितना समझ पाया, कितना इसको आया, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई। किसी भी प्रत्यय को समझाने से पहले उसमें ठोस वस्तुओं के प्रति अवधारणा बनी कि नहीं बनी, इस बात को लेकर के शिक्षण गतिविधि कार्य कराना चाहिए, खासकर प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। इस प्रकार से आज हम लोगों ने ये टॉपिक खत्म किया। नेक्स्ट की क्लास में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे खेल खेल में सीखना क्या। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, खेल खेल में बच्चा कैसे सीखता है, या खेल खेल में सिखाना, एक बच्चे को खेल खेल में कैसे सिखाया जा सकता है, इस प्रत्यय को हम लोग कल देखेंगे। ठीक, आज के लिए सूचना भी आप लोगों के लिए है, आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करेंगे। जो कठिनाई आएगी शेयर इसलिए कि आपका कोई भी सहपाठी वंचित होगा तो वहाँ तक वीडियो पहुँच सके। और ये वीडियो आपको कॉलेज के ऑफिशियली चैनल पर भी अपलोड किया जाएगा, इसलिए चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वहाँ से आपको उस प्लेटफॉर्म पर कॉलेज के सभी सब्जेक्ट के लिए सभी प्रोफेसरों का भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू क्लास।